अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इलम सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर है 5। वन अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर अक्यूट एंगल। फाइंड द अक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन हमने दो तरह से सॉल्व करना है। एक है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड है क्रैमर्स रूल। तो अभी हम पहले सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत। तो चलें चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। एक हमारे पास एंगल है जो के दूसरे एंगल के ट्वाइस यानी के दो गुना से 12 डिग्री ज्यादा है। तो एंगल है हमारे पास एक्स, उसका दो गुना लेंगे तो वो हो जाएगा 2x। जब हम इसको प्लस करेंगे 12 तो हमारे पास सेकेंड एंगल आएगा वाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू वाई। अब हम y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12। अब हम सम ऑफ हमारे पास एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स x प्लस y इज इक्वल टू 90। हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इनसे मैट्रिक्सेस बना लेंगे, 2 माइनस 1 1 1 सेकेंड मैट्रिक्स है एक्स वाई और इक्वल टू माइनस 12 एंड 90। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एम 2 माइनस 1 1 एंड 1 इज नॉन सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब हम स्टेप 3 में इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे एक्स और वाई की। एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू एम इनवर्स 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 एंड 90। एम इनवर्स 1 हम कैसे फाइंड करेंगे, एम इनवर्स 1 हम फाइंड करते हैं 1 ओवर एम डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एम नहीं है, एम डिटर्मिनेंट है जो कि हमने फाइंड कर लिया है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 90। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं 2 1 इनकी हम प्लेस चेंज कर देंगे, ये 1 और 2 हो जाएंगे। सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स हैं -1 और 1, इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और -1। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई बाय -12 एंड 90। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90। 1 मल्टीप्लाई बाय -12 तो -12 ही आएगा, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 90 ही आएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -12 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180। तो अब हम इनको जी सॉल्व कर लेंगे, 90 में से 12 लेस करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा, 180 में 12 ऐड करेंगे तो 192 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं 3 के साथ, 78 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आंसर आ गया 26, जबकि सेकंड है 192 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास 64 आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर्स हैं x इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 64। सो द एंगल्स आर 26 एंड 64। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो एंगल्स का टोटल हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा, 64 प्लस 26 इज इक्वल टू 90। अब हमने यही क्वेश्चन क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी करना है। तो पहले हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं, इक्वेशंस हमने पहले बना ली हुई थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12 जबकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90।
x प्लस वाई है, ये हमारे पास एंगल्स हैं, इनका टोटल करेंगे तो ये 90 के इक्वल होना चाहिए। और ये हमारे पास कंडीशन दी गई थी कि एक हमारे पास एंगल है उसका दो गुना लें तो वो 12 ज्यादा होता है दूसरे एंगल से, तो ये हमने एक कंडीशन बना ली थी। अब हम इन इक्वेशन से मैट्रिक्सेस बनाएंगे, 2 - 1, 1 and 1। सेकंड होगा x एंड y का मैट्रिक्स इज इक्वल टू -12 and 19। a इज इक्वल टू 2 - 1, 1 and 1। अब हम a डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 multiply by 1 माइनस फॉर्मूला का -1 multiply by 1, 2 ones are 2 -1 1 ones are 1, तो हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया 3। अब हम ए एक्स जो है मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे हमारे पास आएगा, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम जो है इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे -12 और 90, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा -12, -1, 90 और 1, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -12 multiply by 1 माइनस फार्मूला का -1 multiply by 90, तो 12 ones are 12 माइनस का 12 होगा, -, -, +, 91 are 90, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 78 हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसी तरह आपने ए वाई डिटर्मिनेंट लेना है, उसके लिए ए वाई मैट्रिक्स चाहिए। ए वाई मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा, ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसके सेकंड कॉलम की जगह पे हम लगा देंगे -12 और 90 वाला मैट्रिक्स, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स आ जाएगा 2 - 12, 1 and 90। ए वाई का डिटर्मिनेंट हम लेंगे अब 90 multiply by 2 - 12 multiply by 1, 90 multiply by 2 हमारे पास आ जाएगा 180 -, -, +, 12 ones are 12, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर 192। अब हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ए डिटर्मिनेंट का हमने फाइंड किया था 3 था, ए एक्स डिटर्मिनेंट था 78, तो हम फाइंड कर लेते हैं 78 divided by 3 26, जबकि ए वाई का डिटर्मिनेंट है 192 divided by 3, तो हमारे पास 64 आ गया आंसर y का। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक और क्रामर्स रूल के मुताबिक हमारे आंसर्स सेम हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इलमसी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।